डिजिटल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 19। डे नंबर 19 में क्वेश्चन वीडियो नंबर 2, ठीक है, का टॉपिक चल रहा है वेक्टर, और क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन ए ट्रेपेज़ॉइड, इन अ ट्रेपेज़ॉइड द वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर बी सी बराबर है लेमडा ए डी, बी सी बराबर लेमडा ए डी, एंड वेक्टर पी बराबर दिया है म्यू ए डी, एंड पी बराबर है ए सी प्लस बी डी, इस कोलिनियर, कोलिनियर मतलब समरेखीय है, देन ए डी, ए डी वेक्टर किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन है म्यू इक्वल टू लैम्डा प्लस वन के, लैम्डा इक्वल टू म्यू प्लस वन के, एंड लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू वन, एंड डी ऑप्शन है म्यू इक्वल टू टू प्लस लैम्डा के। ठीक है, ट्रेपेज़ॉइड एक आकृति है, ठीक है, ट्रेपेज़ॉइड एक आकृति का नाम है, और उसमें वेक्टर ए बी सी बराबर ए डी, ए बी सी डी, चार उसमें पॉइंट है, ए बी सी डी, इस तरह से हो सकता है, एक दो तीन, टेढ़ा मेढ़ा है आकृति है, इस तरह से कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रेपेज़ॉइड तो वो होता है, समलंब होता है, हिंदी वाले जो हैं, हिंदी वालों की शिकायत है कि क्लियर नहीं होता है तो इंग्लिश वालों की ज़्यादा रहती है, हिंदी वालों की कुछ कहते हैं, ट्रेपेज़ॉइड मतलब होता है समलंब एका करती है ए बी सी डी। उसमें वेक्टर बी सी बराबर दिया है लैम्डा ए डी, एंड पी बराबर म्यू ए डी है, एंड पी बराबर ए सी प्लस बी डी है, तो ए अगर ये कोलिनियर है तो ए डी का मान होगा, ए डी का मान किसके इक्वल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो करना क्या है क्वेश्चन में, किस तरह से डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, वेक्टर पी बराबर ए सी प्लस बी डी, वेक्टर पी बराबर ए सी प्लस बी डी हमारे पास था, ठीक है, तो ए सी प्लस बी डी, बी डी को हम लिख सकते हैं बी टू डी, बी टू डी जाना है, बी डी हो सकता है बी सी, बी सी प्लस सी डी, तो ये हो जाएगा ए सी, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, यानी कि P बराबर हो गया ए सी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर P बराबर ए सी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, वेक्टर P के टर्म निकाल चुके हैं, अब यहाँ पे बी सी का मान जो दिया हुआ है, बी सी बराबर लेमडा ए डी पुट कर दें, बी सी की जगह रख दें लेमडा ए डी प्लस सी डी। ठीक है, अब बात आता है लेमडा ए डी प्लस सी डी, अगर ये कोलिनियर है लेमडा ए डी, ये हमारे पास ए सी है, एंड ये सी डी, ए सी प्लस सी डी, इस लाइन को अगर मिटा दें, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू होगा ए डी, ए सी ए टू सी, सी टू डी इक्वल टू ए डी, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, तो लेमडा ए डी प्लस ये हो गया ए डी, यानी कि पी बराबर है लेमडा ए डी प्लस ए डी, और हमारे पास एक कंडीशन था पी बराबर म्यू ए डी, P बराबर म्यू ए डी हमने यहाँ पुट कर दिया, और लेमडा प्लस वन ए डी कॉमन ले लें, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बराबर आ जाएगा लेमडा प्लस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आजकल के टाइम में जो कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे के बी एस हो, एन बी एस हो, एन डी एस एस की सभी फॉर्म आए हुए हैं, तो मेरा जो प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ वो ऑल ऑफ इंडिया के कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बेटर रहेगा, टी जी टी एंड थ्री जी टी मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ओ, ओ ए बी सी एंड डी, पॉइंट ओ ए बी सी डी आर सच दैट, इस प्रकार दिए हैं, सच दैट का मतलब है इस प्रकार है, बिंदु ओ ए बी सी डी इस प्रकार है कि ओ ए बराबर है वेक्टर ए, ओ ए यानी ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, एंड ओ बी बराबर वेक्टर बी, एंड ओ सी बराबर है टू ए प्लस
डीबी एंड ओडी, ओडी बराबर है ए माइनस का टू बी एंड वेक्टर ए बराबर है थ्री वेक्टर बी, तो देन एंगल बिटवीन बी डी एंड ए सी, बी डी और ए सी के बीच का कोण हमको निकालना है। देन एंगल बिटवीन बी डी एंड ए सी, बी डी और ए सी के बीच का कोण क्या होगा ये हमको निकालना है। देखिएगा कंडीशन में ए ओ ए दिया है, ओ बी दिया है, यानी चार बिंदु हैं ए बी सी डी, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, मोड ऑफ ए बराबर थ्री मोड ऑफ बी एंड बी डी और ए सी के बीच का कोण हमको फाइंडिंग करना है। तो बी डी और ए सी के बीच का कोण बी डी इंटू ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी ए सी कॉस थीटा, नहीं फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ये बी डी यानी कि बी डी क्या रहा होगा वेक्टर ऑफ बी डी का मोड, और ए सी रहा होगा इसका मॉडुलस एंड कॉस थीटा, तो बी डी इंटू ए सी, ठीक है। ये बात जान ही रहे हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता, उसी फॉर्मूले का हमने यहाँ यहाँ पे यूज़ किया है बी डी इंटू ए सी इक्वल टू बी मोड ऑफ बी डी एंड मोड ऑफ ए सी कॉस थीटा। तो एंगल हमको फाइंडिंग करना है। अब हमारे पास कंडीशन बन सकती है थीटा एंगल बिटवीन बी डी एंड ए सी, बी डी और ए सी के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। बी डी को हम लिख सकते हैं बी डी ओ डी माइनस ओ बी एंड ए सी हो सकता है ओ सी माइनस ओ ए इक्वल टू, यह हो जाएगा मोड ओ डी माइनस ओ बी एंड ए सी हो जाएगा मोड ओ सी माइनस ओ ए एंड कोस थीटा, ठीक है। अब बात आती है ओडी माइनस ओबी, ओडी माइनस ओबी, तो उन कंडीशनों को ध्यान दे लिया जाए कि क्या क्या कंडीशनें बन सकती हैं। हाँ ओडी, ओडी क्या था ए माइनस टू बी था, वेक्टर ए माइनस का टू वेक्टर बी एंड ओबी वेक्टर बी एंड ओसी है टू ए प्लस थ्री बी माइनस ओ ए वेक्टर ए है इक्वल टू, ये बचेगा ए माइनस थ्री बी, तो मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस थ्री वेक्टर बी का मोड एंड ओ सी माइनस ओ ए, ये आ गया था ए प्लस थ्री बी यानी वेक्टर ए प्लस थ्री वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर है वेक्टर ए माइनस का थ्री वेक्टर बी डॉट ए प्लस थ्री वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस थ्री बी एंड ए प्लस थ्री बी एंड ए माइनस का थ्री बी मोड ऑफ में है, तो ये एक साथ ले लिए जाएंगे हैं, तो एक साथ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए डॉट बी, ये ऐसे रहने दो थ्री वेक्टर बी एंड मोड ऑफ ए प्लस थ्री वेक्टर बी कॉस थीटा, और थोड़ा सा इसका यूज करेंगे मोड ऑफ ए बराबर थ्री मोड ऑफ बी। तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं अभी इस वाली को चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये लाइन हो जाएगी वेक्टर a का स्क्वायर माइनस का थ्री वेक्टर b का हाल ऑफ स्क्वायर इक्वल मोड ऑफ a माइनस का थ्री वेक्टर b एंड मोड ऑफ a प्लस का थ्री वेक्टर b कॉस थीटा, इसको मोड ऑफ a का स्क्वायर एंड नाइन मोड ऑफ b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल मोड ऑफ ए माइनस का थ्री मोड ऑफ बी एंड मोड ऑफ ए प्लस का थ्री मोड ऑफ बी कॉस थीटा, मोड ऑफ ए बराबर थ्री मोड ऑफ बी है, यहाँ पे अगर क्वांटिटी पुट कर दीजिए मोड ऑफ ए का मान है थ्री मोड ऑफ बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का नाइन मोड ऑफ बी का होल ऑफ स्क्वायर कर दो, ए माइनस का थ्री बी का मोड एंड वेक्टर ए प्लस का थ्री मोड ऑफ बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा नाइन मोड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस का नाइन मोड ऑफ बी का हाल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो, और वेक्टर ए माइनस का थ्री वेक्टर बी का मोड एंड वेक्टर ए प्लस का थ्री वेक्टर बी का मोड कॉस थीटा, तो ये होगा वेक्टर ए माइनस का थ्री वेक्टर बी का मोड एंड वेक्टर ए प्लस का थ्री वेक्टर बी का मोड इंटू कॉस थीटा, ये टर्म्स आ जाएगा जीरो के अपॉन में, यानी कि जीरो हो जाएगा
ठीक है। तो एंगल निकालना अब आसान हो गया, इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90 इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 कॉस पाई बाई टू होता है ना, इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा इक्वल टू होगा पाई बाई टू या 90 डिग्री। ठीक है, सेवन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक पी क्रॉस यू इक्वल टू वेक्टर आर एंड पी डॉट यू इक्वल टू सी, देन वेक्टर क्यू का मान क्या होगा। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू बराबर वेक्टर आर, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू सी, तो वेक्टर क्यू का मान हमको फाइंडिंग करना है। तो ए ऑप्शन है सी वेक्टर पी माइनस वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर अपॉन वेक्टर पी के मोड का स्क्वायर, एंड बी है सी वेक्टर पी प्लस पी क्रॉस वेक्टर आर अपॉन वेक्टर पी के मोड का स्क्वायर, एंड सी है सी वेक्टर आर माइनस का पी क्रॉस वेक्टर आर बटे पी का स्क्वायर, एंड डी है सी वेक्टर आर प्लस पी क्रॉस वेक्टर आर बटे पी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 8187। सॉल्यूशन करेंगे, क्यू की वैल्यू हमको फाइंड करना है, पी क्रॉस क्यू दिया है एंड पी डॉट क्यू दिया है, तो वेक्टर क्यू का मान क्या हो। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, अगर ऐसा है तो इसका मान बताओ। ठीक है, तो देखिएगा किस तरह से फिर सॉल्व कर पाएंगे, अगर पहले से कभी ना किया हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लाते हैं इसको पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू इक्वल टू आर, अगर यहाँ पे क्यू से क्रॉस कर दिया जाए, क्यू से या पी से क्रॉस कर दिया जाए, देखो मैं पी क्रॉस आर ला रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में पी क्रॉस आर के टर्म में है, क्यू से कर देता तो क्यू क्रॉस आर का टर्म यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो पी से इसलिए किया गया है क्योंकि पी क्रॉस आर, पी क्रॉस आर, पी क्रॉस आर, इसलिए यहाँ से पी से क्रॉस कर देते हैं ताकि हम आसानी से आंसर निकाल पाए। पी क्रॉस आर हमने किया, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए डॉट मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू दिस, तो फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर पी इंटू क्यू इंटू पी माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड पी डॉट पी इंटू क्यू इक्वल टू पी क्रॉस आर, पी डॉट क्यू सी है, हाँ सी रख देंगे, पी वेक्टर पी माइनस पी डॉट पी, यानी कि वेक्टर पी का मोड लिख सकते हैं इसको, मोड का स्क्वायर क्यू इक्वल टू पी क्रॉस आर, इसको सेपरेट कर लें, इधर ले आए इसको इधर ले आए, तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा सी पी माइनस पी क्रॉस आर इक्वल टू वेक्टर पी का मोड का स्क्वायर इंटू क्यू। क्यू हमको फाइंडिंग करना है तो वेक्टर ये नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन को देगा सी पी, ये वाला हो जाएगा, यानी कि सी पी माइनस पी क्रॉस आर बड़े मोड वेक्टर पी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर होगा अब 9। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इफ द वेक्टर्स, वेक्टर्स दिया है सी एंड ए, ए का मान है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक वेक्टर है सी, दूसरा है वेक्टर ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड वेक्टर बी इक्वल टू है जे आर, सच दैट यह दिया है ए सी एंड बी फॉर्म ए राइट हैंडेड, राइट हैंडेड सिस्टम, देन वेक्टर सी इज, वेक्टर सी का मान क्या होगा, जेड वेक्टर के माइनस एक्स वेक्टर के, एंड बी है जीरो वेक्टर, एंड सी है वाई जे, एंड डी है माइनस का जेड आई प्लस का एक्स के। ठीक है,
सी का मान पूछा है, इफ द वेक्टर्स सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर आर सच दैट ए सी बी फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम में लगे हुए हैं। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब आप समझिएगा, राइट हैंडेड सिस्टम में है सी सी ए सी बी, ए सी बी ए राइट हैंडेड सिस्टम। अगर वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर बी आर फॉर्म ए राइट हैंडेड, अगर राइट हैंडेड सिस्टम में है तो वेक्टर सी इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए। सी ए बी अगर राइट हैंडेड सिस्टम में है तो सी इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए। ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम जैसे कि ए बी सी, ए बी सी, तो सी इक्वल टू इसमें ए क्रॉस बी होता है, परंतु सी के राइट हैंडेड है ना, तो राइट तो बी क्रॉस ए ना, तो राइट हैंडेड सिस्टम में सी सी ए और बी के राइट हैंडेड है तो सी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड होता तो माइनस का ए क्रॉस बी हो जाता। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बी क्रॉस ए लेते हैं। बी में आई जे ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन है आई जे एंड के, तो के वाला भी रख लेते हैं। बी में ओनली जे वाला है वन, बाकी के वाला भी जीरो है, वेक्टर बी बराबर ओनली जे था, एंड वेक्टर ए इक्वल टू है एक्स वाई एंड जेड।